हेलो दोस्तों, दैखंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शांतनु। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई नया प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, इंकजेट या फिर लेज़र। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक नया प्रिंटर खरीदने वाले हैं अपने घर के यूज़ के लिए या फिर अपनी शॉप के यूज़ के लिए, तो आपको कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप प्रिंटर के साथ करना क्या चाहते हैं, यानी कि आप प्रिंट क्या निकालना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट निकालना चाहते हैं, सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट निकालना चाहते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट निकालना चाहते हैं आप, तो आप सिर्फ लेज़र प्रिंटर ही खरीदिए। और अगर आप फोटोज़ वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं, कलर फोटो कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इंकजेट प्रिंटर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको प्रिंटर को आपके काम के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिर्फ लेज़र लीजिए। और अगर फोटो प्रिंट करनी है, कलर फोटो प्रिंट करनी है या फिर कलर डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं, तो आप इंकजेट प्रिंटर ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों दोस्तों काम कैसे करते हैं। अब दोस्तों, लेज़र प्रिंटर जो होता है उसमें जो एक ब्लैक पाउडर है वो आता है। वो ब्लैक पाउडर दोस्तों बहुत ज़्यादा एक किरण होती है, लेज़र किरण की वजह से बहुत ज़्यादा वो पाउडर गर्म होता है, और उस वजह से जो प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर, वो बहुत जल्दी ही डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके दे देता है। खासकर और इस वजह से होता ये है कि जो पेज होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो लेज़र प्रिंटर दोस्तों बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, क्योंकि प्रिंट बहुत जल्दी हो जाता है लेज़र प्रिंटर में, क्योंकि उसमें काम करने के लिए पाउडर वाला जो ब्लैक पाउडर होता है उसका यूज़ किया जाता है, इंक का यूज़ नहीं किया जाता। और उसका जो टेक्निक है, उसकी जो काम करने की जो तकनीक है, वो इंक जेट प्रिंटर से काफ़ी अलग होती है। इस वजह से वो जब भी प्रिंट करता है तो तुरंत प्रिंट हमें दे देता है, और जो आप प्रिंट का जो पेज देखोगे तो वो थोड़ा आपको गर्म लगेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी फास्ट प्रिंट कर देता है लेज़र प्रिंटर। लेकिन दोस्तों, लेज़र प्रिंटर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, फोटो कॉपी प्रिंट करने के लिए, जैसे कि कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट निकालना हो या फिर कोई रिसीप्ट निकाली हो, तो उसके लिए ये प्रिंटर बहुत ही कमाल का है, लेज़र प्रिंटर। और दोस्तों, बहुत से लोग जो हैं जिनका बहुत पुराना लेज़र प्रिंटर है, वो आज भी अच्छे से काम करता है, और वो सिर्फ इंटरनेट से डॉक्यूमेंट निकालने के लिए ही लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। और लेज़र प्रिंटर में दोस्तों सिर्फ लेज़र प्रिंटर ही होता है, उसमें दरअसल स्कैन वगैरह नहीं होता। बहुत से ऐसे लेज़र प्रिंटर होते हैं जिनमें स्कैन वगैरह नहीं होता है, नॉर्मल लेज़र प्रिंटर ही होता है। वो सिर्फ आपको उसमें इंटरनेट के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू ही आप निकाल सकते हो प्रिंटर। तो दोस्तों, लेज़र प्रिंटर में तो पाउडर का यूज़ होता है, और वो बहुत जल्दी ही आपकी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देता है। लेकिन दोस्तों, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जी हाँ, वो कॉस्टली होता है। बार बार उसमें जो है आपको उसकी जो पाउडर टैंक होता है उसको बार बार भरना पड़ता है, तो ये आपको करना पड़ेगा, और ये कॉस्टली नहीं होता है पैसा। फिलहाल तो ये लेज़र जो प्रिंटर है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन दोस्तों ये काम बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हो, सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हो, तो आप लेज़र प्रिंट ही लेना। अगर आप फोटो प्रिंट नहीं करना चाहते, कोई कलर डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना चाहते, तो आप लेज़र प्रिंटर जो है वही लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए ही लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए ही लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से काम करता है, और ऊपर से उन्हें कलर कलर फोटो और ऊपर से कलर डॉक्यूमेंट कलर फोटोज़ को प्रिंट करना नहीं होता इसी वजह से। अब दोस्तों, जो लोग जिन लोगों को जैसे कि कलर फोटो कॉपी चाहिए या फिर उनको स्कैन करना है, क्योंकि आजकल स्कैनिंग प्रिंटर जो स्कैन होता है, जो प्रिंटर के साथ आता है स्कैन, वो भी बहुत मतलब कॉस्टली नहीं होता है, सस्ते आते हैं इंकजेट प्रिंटर, जिसमें आपको स्कैनिंग भी मिल जाती है और हाँ, वाईफाई भी मिल जाता है आपको। तो जो ऐसे प्रिंटर्स होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, और जो इंक टैंक होता है वो बाहर ही लगा होता है। तो जो स्ट्रिप्स होती हैं नीचे, अंदर स्ट्रिप्स होती हैं जो जिन्हें आप पाइप भी कह सकते हो, उनके थ्रू जो है प्रिंट होता है, और उसमें कलर का यूज़ किया जाता है। तो कुल मिला के चार कलर जो है उन इंक टैंक में डाले जाते हैं। दोस्तों, वो एक इंक जेट प्रिंटर होता है, अलग से टैंक दिया होता है, और उससे आप अपनी फ़ोटो को भी प्रिंट कर सकते हो, कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकते हो। हालांकि स्पीड दोस्तों ज़्यादा नहीं होती है, स्पीड कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इंक है उसको मतलब चार पांच मतलब चार इंक हैं, उनको उन मिक्स करके इंक्स को
उनमें मिक्स भी होता है, मतलब जो इंक जेट प्रिंटर है वो कलर को मिक्स भी करता है, यानी कि दो कलर अगर आप मिलाओगे तो एक नया कलर बनता है, तो ये काम भी वो करता है। इस वजह से काफ़ी थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम लगता है प्रिंट होने में, प्रिंटर को प्रिंट होने में, यानी कि पेज को प्रिंट होने में बहुत टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको प्रिंटर जो है मतलब जो प्रिंट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है। और अगर फोटो अगर आपको फोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर आपको प्रिंट करवानी है तो आप उससे करवा सकते हो इंकजेट प्रिंटर से, क्योंकि अब वो इंकजेट प्रिंटर है तो इंक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप लेज़र में फ़ोटोज़ वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, फ़ोटो वगैरह का मतलब आप प्रिंट नहीं कर पाओगे लेज़र में, लेज़र में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते हैं और इंक जेट में कलर डॉक्यूमेंट्स और फोटोज प्रिंट होती हैं। स्पीड दोस्त सबसे ज़्यादा लेज़र की होती है और इंक जेट की स्पीड कम होती है, तो आप ये तय कर लीजिए कि आपको प्रिंटर के साथ करना क्या है, कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करने हैं, इस हिसाब से आप प्रिंटर लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने लेज़र प्रिंटर यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा था, मैंने लेज़र प्रिंटर यूज़ किया है, उसके बाद इंक जेट प्रिंटर भी मैंने यूज़ किया, तो इंक जेट प्रिंटर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अगर हम प्रिंट की बात करें, अगर हमें प्रिंट पेज चाहिए तो वो हमारे काम के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे मुझे कलर प्रिंटर चाहिए तो मैं लेज़र प्रिंटर से कलर तो निकाल नहीं सकता, मुझे इंकजेट प्रिंटर से ही कलर निकालना पड़ेगा, कलर डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ेंगे, फ़ोटोज़ निकालने पड़ेंगे, अब मुझे जो भी प्रिंट करना है कलर में वो मैं निकाल सकता हूँ, पर लेज़र लेज़र में मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट ही प्रिंट कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट ही प्रिंट आउट मेरा निकलेगा, बाकी और कुछ नहीं निकल सकता उससे, कलर तो हो ही नहीं सकता लेज़र में। और अगर आप देखा जाए तो अगर आप लेज़र प्रिंटर लेते हो तो अभी के टाइम में दोस्तों प्रिंटर थोड़े सस्ते भी हो गए हैं, लेकिन एक बार आप ज़रूर ऑनलाइन चेक कीजिएगा या फिर आप शॉप में भी जाके चेक कर सकते हैं, पर अगर आप इंक जेट प्रिंटर लेते हो तो आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, 11-12-13 हज़ार रुपये के प्रिंटर आते हैं एचपी कंपनी की, और भी दूसरी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, एप्सॉन है, वो भी अच्छा प्रिंटर बनाती है, तो वो भी प्रिंटर आप ले सकते हो, उसमें तो आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग भी कर सकते हो, कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हो इंक जेट प्रिंटर में, और फोटोज़ वगैरह भी निकाल सकते हो, तो आप इंक जेट प्रिंटर भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रिसीप्ट वगैरह जो भी हैं सिर्फ टेक्स्ट ही निकालना है आपको, तो आप जा सकते हो लेज़र के थ्रू, लेज़र प्रिंटर के थ्रू। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है आपकी लेज़र प्रिंटर आपको लेना चाहिए या फिर इंकजेट प्रिंटर, दोनों प्रिंटर दोस्तों अच्छे हैं, लेकिन आपका कौन सा काम आपको प्रिंटर करना है वो आपके ऊपर है, आप जो काम करना चाहते हो उसके हिसाब से आप प्रिंटर लेना, यही सही रहेगा आपके लिए, बाकी आपके आपके ऊपर है आपका निजी फैसला आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ इस वीडियो में, बस आपका फैसला तो आपका ही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, कोई भी कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं, और एक्शन चैनल पसंद करते हैं आप तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए तो आपका आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में आप जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड डे गुड बाय।